नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या सेल नोटिस इशू हो जाने के बाद भी सेटलमेंट हो सकता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था सेल नोटिस क्या होती है। अगर आपने किसी बैंक से सिक्योर्ड लोन लिया है अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके और आपने EMI नहीं दी है, डिफ़ॉल्ट हो गया है, आपकी EMI डिफ़ॉल्ट हो गई है और बैंक ने 13-2, 13-4 की नोटिस इशू कर दी है, तो फिर जब बैंक सेल नोटिस निकालता है तो क्या इसका सेटलमेंट हो सकता है कि नहीं। पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा सा सेटलमेंट के बारे में इसमें बताया था। देखिए सेटलमेंट को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम होता है, अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं और अलग अलग तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिक्योर्ड लोन का सेटलमेंट नहीं होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा सेटलमेंट हुआ है। तो इसमें सच्चाई क्या है, कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है? क्या सिक्योर्ड लोन का भी सेटलमेंट होता है? क्योंकि बहुत सारे NBFC कंपनी दावा करती हैं कि हम सेटलमेंट नहीं करते हैं, हम प्रॉपर्टी को ऑक्शन करके अपना पैसा वसूल लेते हैं और बाकी जो पैसा बचता है उसके लिए फिर से हम बोरोअर के ऊपर रिकवरी सूट फाइल करते हैं DRT में। तो कितनी सच्चाई है, क्या प्रोसीजर है, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहले तो समझने वाली बात यह है कि आपकी प्रॉपर्टी पे लोन कितना है और आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू कितना है। सबसे ज़्यादा मैटर इस बात पे करता है। कभी कभी ये होता है कि भाई आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, लोन की वैल्यू कम होता है। तो अगर आप सेटलमेंट की बात बैंक से करते हैं तो बैंक सबसे पहले डिनाई कर देता है, मना कर देता है कि हम सेटलमेंट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है ये है कि अगर आपके साथ जेन्युइन में यानी सही में आपके साथ प्रॉब्लम है, घर पे कोई मेडिकल इशू है या कोई दिक्कत है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी की वैल्यू तो है, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू तो है लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं और बैंक सारे एसेट्स को चेक कर चुका है और वो ये पाता है कि सही में आपके पास पैसे नहीं हैं और घर में कोई भी हो सकता है मेडिकल प्रॉब्लम है, किसी को गंभीर बीमारी है या फिर बहुत ज़्यादा परेशान है, तो ऐसे कंडीशन में बैंक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे मानवता के आधार पे सेटलमेंट करते हैं। तो अब इसमें कंडीशन ये होता है कि बैंक ने सेल नोटिस इशू कर दिया है और उसके बाद आप जाते हैं बैंक से बातचीत करते हैं तो क्या सेटलमेंट होता है? तो देखिए बैंक सेल नोटिस इशू करे या फिर सेल ही कर दे, अगर इसमें सेल सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में अभी सेल सर्टिफिकेट ऑक्शन परचेजर को नहीं दिया गया है तो भी आपका सेटलमेंट हो सकता है। देखिए सेटलमेंट का जो राइट है, जो डिसीजन है, वो सिर्फ और सिर्फ बैंक के हेड ऑफिस को है। अगर आप बैंक के हेड ऑफिस में जाते हैं और आप अपनी बात उनको बताते हैं, उनको कन्विंस करते हैं, उनको समझाते हैं और उनको आपकी बात समझ में आ जाती है, आपकी समस्या समझ में आ जाती है, तो वो आपका सेटलमेंट किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी का ऑक्शन हुआ है और सेल सर्टिफिकेट थर्ड पार्टी को इशू हो गई है, यानी कि जो ऑक्शन परचेजर है यानी कि जो नीलामी में प्रॉपर्टी खरीदा हुआ है, अगर उसको सेल सर्टिफिकेट इशू हो गया है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर सेल सर्टिफिकेट एक बार इशू हो गया तो फिर ऑक्शन परचेजर को ही वो प्रॉपर्टी देनी चाहिए। उसके पहले तक अगर आप बैंक से बातचीत करते हैं तो सेटलमेंट हो सकता है, चाहे आपका सिक्योर लोन हो या फिर अनसिक्योर लोन में, तो किसी प्रकार की कोई सेल नोटिस की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस प्रकार से सेल नोटिस के बाद भी आपका सेटलमेंट हो सकता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि सेल नोटिस के पहले सेटलमेंट की बात आप किससे करें। देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, मैंने बहुत बार अपने वीडियोस में बताया है लेकिन ये मेरा ड्यूटी है कि मैं आपको बार बार सतर्क करता रहूँ, आपको अलर्ट करता रहूँ कि जो भी आप ये काम कर रहे हैं ना कि आप रिकवरी एजेंटों से बातचीत करने लग रहे हैं, उनको सेट करने लग रहे हैं, उनके सामने गिड़गिड़ाने लग रहे हैं, उनको आप मतलब मक्खन मलाई लगा रहे, जो भी कहा जाए कि आप उनको एक प्रकार से सोचते हैं कि उनसे सेटिंग हो जाए तो वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, वो आपका सेटलमेंट करा देंगे। ये गलत प्रक्रिया है, ये गलत बात है। रिकवरी एजेंट थर्ड पार्टी होता है, एक बात, उसका डायरेक्ट बैंक से कोई भी संबंध नहीं होता है।
तो रिकवरी एजेंसी जो रिकवरी एजेंट हायर करती है, तो रिकवरी एजेंसी के पास भी सेटलमेंट कराने का पावर नहीं होता है देखा जाए तो। मेडिएशन वो करा सकते हैं कि भाई वो बैंक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इतने दिन से उनकी क्रेडिट बनी हुई है, अगर आप उनके साथ सेटलमेंट की बात करते तो हो सकता है कि वो मेडिएशन करा दें। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेडिएशन कराना और उसका अलग तरीके से इम्पैक्ट डालना, दबाव डालना हेड ऑफिस को, ये गलत बात है, ये हो ही नहीं सकता है। तो आपको अगर सेटलमेंट करना है तो डायरेक्ट हेड ऑफिस से बात करिए, किसी भी थर्ड पार्टी से बात मत करिए। बहुत सारे लोग आजकल कुछ पैनल की बात करते हैं, एडवोकेट पैनल की बात करते हैं, ये सब के सब फर्जी हैं, आप इनके चक्करों में मत पड़िए। एक बार आपने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो फिर ये आपको इतना चूस लेंगे कि आप को समझ में नहीं आएगा, और कभी भी थर्ड पार्टी के द्वारा किया गया सेटलमेंट वैलिडेट नहीं माना जाता है, उसका सक्सेसफुल नहीं होता है, उसकी ऑथेंटिकेशन कुछ नहीं होती है, वो सही नहीं होता है साफ साफ लफ्जों में कहा जाए तो। इसलिए आपको सेटलमेंट करना है तो आप हेड ऑफिस में बात करिए, रीजनल मैनेजर से बात करिए, और इधर उधर कहीं आप मत जाइए। हाँ, किसी एडवोकेट को हायर कर सकते हैं या फिर किसी से बातचीत कर सकते हैं, वो आपका सेटलमेंट लेटर तैयार कर सकते हैं, लेकिन एडवोकेट भी जाकर के बैंक के साथ बैठकर बातचीत नहीं करा सकते हैं, न ही उनके ऊपर कोई भी दबाव डाल सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि अगर आपको सेटलमेंट करना है तो आपको स्वयं जाना होगा, क्योंकि आप कस्टमर हैं और आप बैंक से बातचीत कर सकते हैं, कस्टमर होने के नाते बैंक आपकी प्रॉब्लम को समझेगा, थर्ड पार्टी को नहीं समझेगा। तो कुल मिला जुला कर ये है कि अगर आपकी सेल नोटिस इशू हो भी जाती है और बैंक तैयार है तो आपका सेटलमेंट हो सकता है, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें ज़रूरतमंदों में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।